Hi guys, this is Manu Mishra. So welcome to the session, welcome to the Let's Crack Lat channel. And आज की हम इस session की बात करें. आज का session बहुत छोटा होने वाला है और ये कुछ informative या फिर ऐसा कोई session नहीं है जो कोई GK का session हो या GK में आपके marks को enhance कर दे. नहीं, ये एक session है जो कि सिर्फ दिल से दिल की बात है, है ना. और exam आ गया है तो मेरा मन किया कि चलो उठते हैं, थोड़ा बच्चों को मोटिवेट करते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चे पैनिक कर रहे होंगे. पैनिक के साथ साथ उनको एक फियर हो रहा होगा, डर लग रहा होगा कि उनका एग्जाम निकलेगा या नहीं निकलेगा. ये जो चीज़ है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है ना. इस चीज़ से हम नहीं भाग सकते, ह्यूमन टेंडेंसी है. अगर आप अपने लाइफ में कोई किसी चीज़ को एक साल, दो साल या फिर कई सारे बच्चे 6 महीने डेडिकेशन से पढ़ रहे थे, अपना टाइम दिया उन्होंने उस चीज़ को लेकर, और वो चीज़ सक्सेसफुल होगी कि नहीं होगी, उसका अब वो एग्जामिनेशन आ गया है, तो ऑब्वियस सी बात है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि वो डर लगेगा, वो पैनिक होगा. वो ह्यूमन टेंडेंसी है और इस चीज़ का हम कुछ कर भी नहीं सकते. बट द पॉइंट इज क्या हमारे लिए पैनिक होना, क्या हमारे लिए फियर अंदर रखना क्योंकि हमारा एग्जाम पास में आ गया, क्या वो हमारे एग्जामिनेशन पे हेल्प करेगा? द आंसर इज बिग नो. अ बिग नो. क्यों? क्योंकि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कोट एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग कोट आई हैव जस्ट रेड इन द मॉर्निंग, दैट इज टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट बट व्हाट वी यूज वर्स्ट. टाइम एक ऐसी चीज है जो कि हमें चाहिए है. क्लैट की एग्जामिनेशन जब आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर रखी होगी तो आपके दिमाग में हमेशा रहा होगा कि यार कम टाइम था, शायद मैंने पहले स्टार्ट कर दिया होता. इवन जिसने पढ़ाई ना 1 महीने पहले स्टार्ट करी होगी ना, वो भी बोलता होगा कि शायद मेरे पास और टाइम होता. जिसने 15 दिन भी करी होगी ना, वो भी यही बोलता होगा कि सर टाइम और हो जाना चाहिए था मेरे पास. सो टाइम एक ऐसी चीज़ है जो हर इंसान को चाहिए. मुझे भी चाहिए कि शायद मेरे पास टाइम मशीन होती ना, मैं थोड़ा पीछे जाता और पीछे में जो मेरी गलतियाँ हैं, शायद मैं वो गलतियाँ नहीं दोहराता. लेकिन वो गलतियां इस वजह से हुई क्योंकि मैंने टाइम को गलत समय, गलत जगह, गलत समय पे वेस्ट, गलत गलत जगह वेस्ट किया. और वो चीज कहीं ना कहीं हमारे हमारे आने वाले समय में इंपैक्ट डालती है. हमारे प्रेजेंट, हमारे फ्यूचर पे भी कहीं ना कहीं इंपैक्ट डालती है. तो बस मुझे बस यही एक मैसेज कन्वे करना था टू ऑल द एस्पिरेंट्स कि अगर आप पैनिक कर रहे हो, अगर आप फियर हो रहा है, अगर ये डर लग रहा है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा, देन अगेन यू आर वेस्टिंग योर टाइम, है ना. समय उतना ही है. अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम समय को, टाइम को किस चीज में यूटिलाइज करना चाहते हो. अगर पैनिक में तो अपना टाइम वेस्ट करना चाहते हो, और उसी टाइम में शायद मैंने कोई 2 टॉपिक जीके के रिवाइज कर लिए होते या कोई 2 सेट मैंने प्रैक्टिस कर लिए होते क्रिटिकल रीजनिंग के, या कोई टॉपिक मैंने करंट अफेयर्स का पढ़ लिया होता और वही आ गया, वही आ जाता. जैसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मॉक, जैसे अभी मॉक है तो मॉक चल रहे होंगे बहुत सारे, तो मॉक पे उनका यही कहना होता है सर मैं ना आज मेरा यही शेड्यूल था कि आज मैं ये रिवाइज करता, यही टॉपिक रिवाइज करने वाला था 2 टॉपिक, बट मैंने नहीं किया, मैं डायरेक्ट मॉक देने चला गया. शायद कर लिया होता तो मेरे 7 या 8 नंबर इंक्रीज हो जाते. और क्यों नहीं किया? सर वो पैनिक था. मॉक में पैनिक हो जाता है, मॉक में डर लगता है. अब उसी पैनिक, उसी डर की वजह से क्या हुआ, आपके 5-6 नंबर गए. तो वो चीज हमें अपने डी डे पे नहीं करनी है. डिसाइडिंग डे जो डी डे है हमारा, 3rd of December है या 10th of December है, उस चीज पे उस दिन हमें नहीं होना है ना, पैनिक होना है ना, हमारा ना हमें फियर होना है. क्योंकि देखो पैनिक करना है, फियर करना है, एग्जाम की बात कर लो, पेपर दे के आओ, जितना करना उतना कर लो पैनिक, क्योंकि उसके बाद तुम्हें पता है कि चीजें तुम्हारे हाथ में नहीं रहेंगी अब. लेकिन अभी तुम्हारे हाथ में चीजें हैं, अभी तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस एग्जामिनेशन को गेज कर सकते हो, तुम उस एग्जामिनेशन को समझ सकते हो. सो नाउ इट्स टाइम, राइट. इवन दो टाइम कभी भी कम ज्यादा नहीं होता, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई कम है कि ज्यादा है. कभी कम ज्यादा नहीं होता, 2 घंटे भी ना बहुत होते हैं. 2 घंटे में अगर मैंने कोई टॉपिक पढ़ लिया और वो टॉपिक आ गया तो मेरे 5 नंबर आ गए. सो इसीलिए मैंने सुबह एक मॉर्निंग में कोट पढ़ा एंड इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं. दैट इज टाइम इज व्हाट वी वांट मोस्ट. जो कि चीज हमें हमेशा चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए, हमेशा चाहिए. और ऐसा नहीं है कि तुम्हें लग रहा हो कि भाई एक बार मिल जाए, बस आज मिल जाए.
अभी मुझे टाइम मशीन मिल जाए मैं पीछे चला जाऊं, तुम इवन दो जब तुम कॉलेज में जाओगे या फिर आगे चल के कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन दोगे या फिर कोई भी एक इवेंट तुम्हारे लाइफ में आएगा, कोई भी इवेंट, नॉट ओनली अबाउट द एग्जामिनेशन, कोई भी इवेंट, तुम हमेशा यही चीज डिमांड करोगे, शायद टाइम मेरे पास होता, टाइम मेरे पास होता। ठीक है, तो मैं अभी आपका ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। डोंट पैनिक, डोंट फियर, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग, यही दो चीज फॉलो करनी है, प्रैक्टिसिंग रिवाइजिंग, प्रैक्टिस रिवाइज, प्रैक्टिस रिवाइज, ये मोड फॉलो करो। अब पैनिक और फियर से कैसे निकलना है, सी द पॉइंट इज, जितना आप अपने आप को बिजी रखोगे, जितना बिजी रखोगे उतना पैनिक और उतना फियर नहीं होने वाला, क्योंकि अगर आप बिजी होगे किसी काम में इंडल्ज होगे, प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, आई गारंटी वो समय मिलेगा ही नहीं आपको पैनिक करने का, फियर आपके 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 अंदर डर आने का। सो लास्ट थिंग दैट इज, डोंट वेस्ट योर टाइम, टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी एसेंशियल थिंग, राइट? एंड वी ऑलवेज यूज टाइम बहुत बहुत गंदे गंदे जगहों पर, है ना, इन वर्स्ट थिंग्स पर, सो डोंट वेस्ट इट, है ना, हमें उस जगह इन्वेस्ट नहीं करना है, हमें वो देखना है कि ये टाइम हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो टाइम अगर आप प्रैक्टिस करोगे, रिवाइज करोगे, इंडल्ज हो जाओगे, बिजी हो जाओगे, ऑटोमेटिकली ये पैनिक और फियर ऑटोमेटिकली चला जाएगा। 3 December के बाद वैसे ही होने वाला है, रिजल्ट तक वैसे ही पैनिक और वैसे ही फियर रहेगा, होगा कि नहीं होगा, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, वो चीज़ हमेशा रहेगी, तो वो चीज़ 3 December की बात करें ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, सो ऑन दैट नोट वी एंड दिस सेशन हियर, एंड डू मेक श्योर ऑफ दैट के डोंट पैनिक, डोंट फियर, है ना, कीप योर सेल्फ बिजी, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप रिवाइजिंग। ठीक है, सो बाय बाय, हैव फन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन।